आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 4.2, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। अब ये चर और ये समीकरण ये कब आपको समझ में आएगा? जब आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहली वीडियो आप देखोगे। प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी? तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने बताया कि आपको प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। तो देखो, इन प्रश्नों को हमें सरल कैसे करना है। तो यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है चर, और यहाँ पर जैसे ही बराबर का निशान आया तो वो क्या बन गया? समीकरण, है ना। तो इस समीकरण के अंदर एक तो चर होगा और एक अचर होगा। यहाँ पर मैं दो बातें बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। एक तो चर होगा और एक अचर होगा। तो आपको जो संख्या दिखाई देती है, जैसे ये जीरो, ये एक, तो वो तो होते हैं अचर। और जो आपके अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर दिखाई देते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, है ना, ये एक्स जो है वो आपका होता है चर। तो आपको पता चल गया चर क्या होता है। तो प्रश्न क्या कह रहे हैं, चर को पृथक करने वाला चरण बताइए। तो इसमें हमें इस चर को पृथक करना है, यानी इसको पूरा अकेला कर देना है, इसके साथ कोई नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको अकेला करना है और फिर इस समीकरण को हमें हल करना है। हल करने का मतलब ये है कि हमें यहाँ एक्स का मान ज्ञात करना है कि एक्स का मान क्या होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना, इसके लिए ये करना कि यहाँ पर जैसे माइनस एक है, इस समीकरण के अंदर क्या है, एक्स माइनस एक बराबर जीरो। तो ये जो माइनस का एक है, मुझे इसको यहाँ से हटा देना है। क्या करना है, हटा देना है। तो मैं इसको कैसे हटाऊँ? तो एक आप खुद सोचो, ये कैसे हट सकता है। तो अगर मैं बराबर के इस तरफ कोई भी काम करता हूँ, इस तरफ जैसे मैं कोई भी काम करता हूँ, तो मुझे इस तरफ भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने बराबर के इस तरफ कुछ जोड़ा है, तो मुझे इधर भी जोड़ना पड़ेगा, वही चीज़ जोड़नी पड़ेगी। अगर मैंने बराबर के इस तरफ किसी को घटाया है, तो इस तरफ भी मुझे घटाना पड़ेगा, तभी तो आपके वो बैलेंस बना रहेगा, बराबर रहेगा, है ना। हम सब्जी लेने जाते हैं ना, तो 2 किलो के वजन में हम 2 किलो का बाट रखते हैं, और अगर हम 3 किलो कर देते हैं, तो इधर भी हमें 3 किलो का बाट रखना पड़ता है, तब जाके वो बराबर होता है। तो जो काम हम इधर कर रहे हैं, वो काम इधर भी करना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे सरल करेंगे? तो भाई मुझे ये माइनस एक हटाना है, तो आप बताओ ये माइनस एक जीरो कब होगा? तो ये माइनस एक हटाने का मतलब क्या है, इसको जीरो कर दो। तो ये जीरो कब होगा कि अगर मैं इस माइनस एक को प्लस एक से जोड़ दूँ, है ना, तो ये माइनस एक और प्लस एक घटता है और क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो माइनस एक प्लस एक क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अगर मुझे यहाँ इस माइनस एक को हटाना है, तो मुझे इस समीकरण के दोनों तरफ एक जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखूँगा, समीकरण के दोनों तरफ एक जोड़ने पर, आप वो लाइन लिख देना, मैं सीधा कर रहा हूँ इसको, है ना। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ प्लस का एक जोड़ूंगा। तो यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस एक फिर बराबर और जीरो। तो मुझे इधर भी प्लस का एक जोड़ना है और इधर भी प्लस का एक जोड़ना है, दोनों तरफ प्लस का एक जोड़ रहा हूँ मैं। तो ऐसा करने पर हुआ क्या, माइनस एक और प्लस एक, जब दो अलग अलग साइन हो, एक माइनस का हो एक प्लस का हो, तो वो घटता है, तो ये घट जाएगा, एक में से एक गया, क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो अब क्या बचा, एक्स माइनस जीरो बराबर, जीरो में एक जोड़ो कितना हुआ, एक। अब एक्स में से जीरो गया, जीरो में से कोई भी घटता है तो वही आ जाता है, तो x माइनस जीरो का मतलब क्या होता है, x ही होता है। तो ये x बराबर एक, तो हमें x कितना मिला, एक मिला। तो इस प्रकार से आपको समीकरण हल करना है। अब देखो, यहाँ पर तो मैंने दोनों तरफ एक जोड़ा था, अब मुझे इस प्लस एक को हटाना है, इस प्लस एक को हटाना है, कैसे हटेगा ये। तो अगर मैं अब की बार दोनों तरफ माइनस एक कर दूँ, है ना, माइनस का एक घटा दूँ, तो ये समीकरण हल हो जाएगा। कैसे होगा, देखो, अगर मैं इस समीकरण के दोनों तरफ माइनस एक लगा दूँ, इधर भी माइनस एक और इधर भी माइनस एक, तो देखो ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, तो घटाओ, एक में से एक गया, जीरो। तो अब की बार जो है हमें क्या मिला, ये कट गया, ये जीरो हो गया। तो एक्स चाहे माइनस जीरो लिखो चाहे प्लस जीरो लिखो, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी ये एक्स ही बचा पीछे, बराबर जीरो माइनस एक, ठीक है, जीरो माइनस एक। तो अब देखो,
अगर मैं जीरो में x जोड़ता हूँ तो मुझे x ही मिलता है, अगर मैं जीरो में से किसी को घटाता हूँ तो मुझे वही मिलता है, यानी माइनस एक मिलेगा आपकी बार आपको। तो इस प्रकार से आपको x के मान मिलते जाएंगे। जैसे इसमें है तो अब मुझे यहाँ पर इसको हटाना है, ये यहाँ पर 6 रहता है ना, इसको हटाना है, तो अब की बार माइनस का एक आ गया, तो वापस आप क्या करो, दोनों तरफ प्लस का एक जोड़ने पर, तो ये क्या हो गया x माइनस एक, और ये हो गया 5। तो अगर मैं यहाँ प्लस एक करूँगा तो इस तरफ भी मुझे प्लस का एक करना पड़ेगा, तब जाके आपके दोनों बराबर रहेंगे, है ना। तो ये एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो ये तो जीरो हो गया, तो बचा क्या x, अब सीधा कर रहा हूँ मैं, और 5 और एक कितना हो गया 6, तो यहाँ x का मान कितना मिला 6 मिला। यहाँ x प्लस 6 है, मुझे किसको हटाना है, 6 को हटाना है, कैसे हटा सकते, क्योंकि ये प्लस का है, तो दूसरा जीरो करने के लिए क्या चाहिए, माइनस का 6 चाहिए, है ना। तो अब की बार दोनों तरफ मुझे माइनस का 6 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर x प्लस 6 फिर माइनस 6, यहाँ पर 2 पहले से हैं क्योंकि यहाँ माइनस 6 किया, तो यहाँ पर भी माइनस 6 करना पड़ेगा, तो 6 में से 6 गया 0, क्या बचा x बचा सिर्फ, और ये देखो प्लस का ये माइनस का घटेगा, घटाओ 6 में से 2 गया 4, लेकिन प्लस का या माइनस का, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का यहाँ पर बड़ा है, तो ये हो गया माइनस का 4। तो इस प्रकार से आपको ये सब प्रश्न करने हैं। अब जैसे ये ई वाला देखो, इसमें क्या है, वाई माइनस 4 बराबर माइनस 7। अब देखो ये माइनस का 4 है इधर, वाई माइनस 4, इसको मुझे हटाना है, इसको जीरो करना है, कैसे करूँ, ये माइनस का है तो अब की बार प्लस का 4 कर दो, तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। एक प्लस का होता है और दूसरा माइनस का होता है, तो वो जीरो हो जाता है, वो सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि अब की बार माइनस का है, तो दोनों तरफ आप प्लस का 4 जोड़ दो, तो ये हो गया माइनस का 4 और ये हो गया माइनस का 7, तो इधर भी 4 जोड़ दो और इधर भी 4 जोड़ दो, तो यहाँ पर देखो ये तो जीरो हो गया, क्या बचा, वाई बचा, और माइनस का 7 और प्लस का 4, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है तो घटेगा, तो घटाओ इसको, 7 में से 4 गया 3, लेकिन प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस का अब बड़ा है इसमें, है ना, तो उत्तर माइनस में आता है। अब इसको देखो, y माइनस 4 बराबर 4, क्योंकि अब की बार कैसा है, माइनस का 4, इसको जीरो करना है, क्या करो प्लस 4 कर दो, तो अब की बार इसमें प्लस 4 जोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ, तो ये हो गया y माइनस 4 बराबर 4, इधर भी प्लस 4 कर दो, इधर भी प्लस 4 कर दो, तो ये तो जीरो हो गया, क्या बचा y, और 4 और 4 ये प्लस का जुड़ता है और प्लस का उत्तर आता है, तो हो गया प्लस का 8। फिर ये देखो y प्लस 4 बराबर 4, मुझे इसको जीरो करना है, और ये क्या है, प्लस का 4 है, तो माइनस का 4 कर दो, ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस 4 इधर भी कर दो और इधर भी कर दो, तो 4 में से 4 गया 0, और y प्लस 0 क्या होता है, y ही होता है, और देखो 4 प्लस का और इधर माइनस का, तो 4 में से 4 गया 0, पूर्णांक नियम आपको आएंगे तभी बात बनेगी, है ना। अब ये वाला देखो, ये है y प्लस 4 बराबर माइनस 4, तो अब मुझे इस प्लस का 4 जो है उसको जीरो करना है, तो आप क्या करो माइनस 4 लगा दो दोनों तरफ, तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, y प्लस 4 बराबर माइनस 4, तो ये प्लस का 4 है, मुझे इसको जीरो करना है, तो माइनस 4 इधर भी लगा दो और माइनस 4 इधर भी लगा दो, तो 4 में से 4 गया 0, क्या बचा y, और ये हो जाएगा माइनस 4 और माइनस 4 माइनस का 8। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर हम इस प्रश्न को बड़ी कक्षाओं में कैसे करेंगे, इसके बारे में अगर हमें सोचना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, देखो इसको करने के दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऊपर वाले 4 प्रश्न में बता देता हूँ दूसरे मेथड से कि आपको दूसरे तरीके से कैसे करना है। देखो जैसे एक रूल्स बता रहा हूँ उसको याद रखना, बराबर के इस तरफ अगर प्लस का है और इस संख्या को अपन बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो वो ऑटोमेटिक माइनस की हो जाएगी, इस बात को आपको याद करना है कि अगर वो कोई संख्या इधर प्लस की है और उसको मुझे उठा के पकड़ के बराबर के इस तरफ लगाना है तो वो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और अगर इस तरफ माइनस की संख्या है और मुझे इसको यहाँ से उठाकर यहाँ लाना है
तो यहाँ पर ये जो बराबर है इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी वो इधर से उधर आके प्लस की हो जाएगी। तो अब आपको ये बात रटनी है कि अगर कोई बराबर की संख्या के इस तरफ प्लस का है तो वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इधर माइनस का है तो वो बराबर के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जैसे इसको देखो, ठीक है, ये कह रहा है कि चर को पृथक करना है अपने को, है ना, यानी यहाँ से माइनस एक को हटाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस माइनस एक को, इसको बराबर के इस तरफ क्या है, जीरो है, इस तरफ ला के पटकूँगा, यानी मुझे इसको पकड़ के इस तरफ लाना है। और ये कैसा नंबर है, माइनस का नंबर है, तो वो बराबर के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसको पकड़ के इधर लाएंगे तो यहाँ से तो ये हट गया, तो क्या बचा, एक्स, इधर क्या बचा, बराबर, और इधर क्या बचा, जीरो, और ये पकड़ के यहाँ आ जाएगा तो वो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस का एक। तो जीरो प्लस एक क्या होता है, एक ही होता है। तो ये इसको करने का दूसरा तरीका है, ऐसे भी आप कर सकते हो, केवल आपको याद क्या रखना है, ये वाली बात याद रखनी है। चलो इसको करते हैं, देखो अब की बार इस प्लस एक को मुझे इधर लाके पटकना है ना, तो जो प्लस का होगा वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एक्स, ये वाला तो उधर जा रहा है तो उसको उधर जाने दो, है ना, तो फिर कौन बचा, बराबर, और कौन बचा, जीरो। अब ये इधर आएगा तो प्लस का एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा, और जीरो में से माइनस एक गया, क्या बचेगा, माइनस का एक। तो ऐसे भी हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसको करते हैं, देखो इसका क्या उत्तर आता है, मुझे क्या करना, माइनस एक को उधर लेके जाना है। तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा, फिर बराबर बचा, फिर पाँच बचा, ये वाला उधर जाएगा, लेकिन ये माइनस का है, तो ये बराबर के जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का एक हो जाएगा, माइनस का एक प्लस का एक हो जाएगा। तो अब ये दोनों जुड़ रहे हैं ना, तो पाँच और एक कितना हो गया, छः। तो अब की बार हमारा उत्तर आएगा छः। चलो इसको भी करते हैं, ये प्लस का छः है, इसको मुझे उधर ला के पटकना है। तो यहाँ क्या है, एक्स, फिर क्या है, बराबर, फिर क्या है, दो, तो ये उधर जाएगा, तो प्लस का छः उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का छः। फिर देखो ये प्लस का, ये माइनस का, घटेगा और घटाओ, कितना बचा, चार, प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर क्या है, बड़ा है, तो ये आया माइनस का चार। तो इस प्रकार से आप इन दोनों मेथड से